ये कहानी है एक जंगल की, जहाँ बहुत सारे जानवर रहते थे। जंगल का राजा अपने बेटे को शिकार करना सिखा रहा था, लेकिन उसे नाचना पसंद था। तभी शेर का घमंडी भाई आकर उसे चुनौती देता है कि हम दोनों में से जो भी जीतेगा वो इस जंगल का असली राजा होगा। राजा अपने बच्चे को खेलते हुए छोड़कर उससे लड़ने लगता है, और उसका बच्चा एक रस्सी का पीछा करते हुए शिकारियों के पास पहुंच जाता है, और वो शेर के बच्चे को पकड़कर एक बॉक्स में डाल देते हैं और विदेशियों को बेचने के लिए चले जाते हैं। जब उसका पिता उसे ढूंढता है तो उसे एलेक्स कहीं नहीं दिखाई देता, और तभी वो देखता है कि एक गाड़ी में छोटा सा बॉक्स बंधा हुआ है और उसमें से उसके बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। वो दौड़ते हुए उस गाड़ी का पीछा करता है। शेर उस गाड़ी के ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन एक शिकारी गोली चलाता है और शेर नीचे गिर जाता है। लेकिन शिकारियों की गाड़ी फिसल जाती है और एक पेड़ से टकरा जाती है, जिससे वो बॉक्स नीचे बहती हुई नदी में गिर जाता है। और उसके पिता को होश आता है तो उस गाड़ी के पीछे भागता है, लेकिन उसे पता नहीं कि उसका बच्चा शिकारियों से बचकर पीछे नदी में गिर चुका है। अब वो बच्चा अपने पिता को मिल पाएगा या नहीं, वो हम जानेंगे अगले पार्ट में। लेकिन उसके लिए आपको एक लाइक करना होगा।